another day and obviously another match that has happened in the morning. एक मुकाबला और अब शाम में होगा जहां पे आयरलैंड और पाकिस्तान का आमना सामना होगा. सुबह स्कॉटलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर इन एक्शन और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 5 विकेटों से जीत हासिल की, बट स्कॉटलैंड एक अच्छा टोटल पुटअप करने में कामयाब हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. सो यस, अच्छी बात यह है इस वर्ल्ड कप की कि जो एसोसिएट टीम्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और बड़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेज दिख रही हैं. कल हमने नेपाल को भी देखा, वेरी बिग हार्ट ब्रेक दैट वी सॉ, रो रहे थे उनके खिलाड़ी. एंड यस, हम सब रो रहे हैं दो के आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच तो होगा आज, बट जिसका कोई फायदा नहीं है. इट वुड बी अ डेड रबर मैच, बट यस, आयरलैंड एंड पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन. पाकिस्तान वुड प्ले फॉर देयर प्राइड एज मच एज इट्स लेफ्ट. सो इस मैच के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में और भी बहुत सारी बातें उसके हवाले से भी बात करेंगे, माद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर डालेंगे. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका. जैसा आपने जिक्र किया कि बिल्कुल आज का मैच पाकिस्तान के लिए कोई माने नहीं रखता नतज के एतबार से, लेकिन अगर इसी सोच के साथ कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लोग, जैसा कि आपने कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए कोई माने नहीं रखता, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत तो ये जो है, जैसे अगर इन्होंने समझना है कि अगर आयरलैंड के खिलाफ खुदा ना खासा ये हार गए तो फिर तो माने रखता होगा, क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी $1,00,000 के नकद इनाम से जी, और ये पहुँची है डेड रबर मैच तक. तो ये एक तवील दास्तान है. वैसे मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं बताया था कि हारोगे तो क्या देना पड़ेगा, तो 2,00,000 ले लेंगे वो लड़कों से. वो हारने पर उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी. तो हाँ, ये $1,00,000 से शुरू हुआ है, सर्जरी तक पहुंची है, अब देखें कहाँ तक पहुंचती है. हाँ बिल्कुल जी, इसी तरह का कुछ हिसाब होगा. एंड यस, सुपर ओवर से लेके सुपर सॉपर तक का सफ़र पाकिस्तान टीम का रहा और अब जो है आज पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड. बहुत अभी इस वक्त तक जो वेदर अपडेट है वो यही है कि धूप निकली हुई है लॉडहिल में, दो के कल भी बारिश का सिलसिला ऐसा नहीं हुआ था, बट वो जो वेट आउटफील्ड थी वो वेट आउटफील्ड ही नहीं सही हो पा रही है. दो के फैसिलिटीज़ पर बहुत सारी बात हो रही है, आईसीसी के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद हो रही है, बट जिस तरह का तूफान आया था मियामी में, जिस तरह की वार्निंग्स थी, जितनी तेज़ बारिश हुई, प्लेयर्स ने भी यही कहा कि इस किस्म की बारिश उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखी. तो यस, इट वॉज़ अ टफ कॉल फॉर आईसीसी एज वेल. सो बात करेंगे आज के इस मुकाबले के हवाले से, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेम्बर्स सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. So ready for the match today, Sohail? वो रेडी तो उनको होना है, हम तो यहाँ बैठ के स्पेक्टेटर हैं, अब दुआएं करेंगे. उन्होंने शॉपिंग कर ली, डिनर कर लिया, मीट एंड ग्रीट कर लिया, वो तो तैयार है. अच्छा, इसमें ना सवेरा मेरा थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर है. देखिए, डिनर अब खाने पे जाना है प्लेज नहीं, इट्स ओके. अब आप, हम ना जब हारते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को भी इशू बनाना शुरू कर देते हैं जिनको नहीं बनाना चाहिए. अब खाना तो आप एक नीड है ना, मतलब वो तो आपने खाना आपके है. टाइम पे कर्फ्यू होता था क्या? टीम मैनेजर का एक काम होता था कि कर्फ्यू देखा जाए. देखिए, हमने बड़ा था? हमने ना बड़ा टफ टाइम देखा फॉर सर्टेन रीजन, मैं उनमें वी ऑल नो दैट. तो बार बार रिपीट करने से अपने ही वो उसका फायदा नहीं, बट फॉर सम रीजन जो फेज हमने देखा ना, स्पेशली आफ्टर 2010, वो जो 11, 12, 13, 14 तक चीजें थी, 4 साल, वो इतने मुश्किल थे कि वो मैं डिटेल में जाऊं तो वो, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि शायद हम किसी हॉस्टल की जो लाइफ होती है ना वो वाली थी, कि इतने बजे लाइट्स ऑफ होनी है, ये वो छोड़ दें. तो उस हिसाब से तो इनके लिए अब बिल्कुल ही चीज़ें बहुत रिलैक्स हैं. बट ठीक है, हम इन जनरल बात करूँ, मैं सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं कर रहा, इन जनरल हमारी आवाम भी ना बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिनमें नहीं पड़ना चाहिए. क्रिकेट में बात करें, परफॉर्मेंस बुरी हुई, जिसको जो कहना है जरूर कहें, लेकिन के जी वो देखें हार के खाने पे चले गए. हाँ, नहीं, खाना तो खाएंगे इंसान, खाना तो खाना है. और प्रॉब्लम ये है, देखें अगर तो होटल ऐसे होते जैसे दुबई या पाकिस्तान में हम होते तो आप कह सकते हैं यार होटल में खाना खा लेते हैं. अब वहाँ पे हलाल का भी इशू होता है, होटल्स में हलाल खाना सर्व नहीं होता, तो हम कहीं ना कहीं जाके ना नॉन इशूज़ को भी इशू खा खा का बना देते हैं, रिलेट कर देते हैं ऐसी चीज़ों को जिनको रिलेट क्रिकेट से नहीं होना चाहिए. अब शॉपिंग भी अगर कोई, मतलब लड़का बाय जा रहा है कुछ बाय करे, इट्स ओके, करनी चाहिए, ठीक है, उसमें उसको इशू नहीं हमें बनाना चाहिए. क्रिकेट तक रहें, लड़कों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, खुल के तनकीद करें. ऑब्वियसली रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आए, खुल के तनकीद करें, बैटिंग अच्छी नहीं हुई उस पर करें, बॉलिंग, मतलब
व्हाटएवर यू फील लाइक बट इट शुड बी रिलेटेड टू क्रिकेट. अच्छा सुहेल, मैं फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली वी शुड नो द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, खाना खा लिया, ये कर लिया, खाना ऑब्वियसली इंसान है, खाना खाएंगे और वही आपने जैसे कहा कि हलाल ऑप्शंस ढूंढने के लिए डिस्टेंस पे जाएंगे. एक बड़े मैच से एक दिन पहले आपका क्या रूटीन होता है, मतलब द नाइट बिफोर दैट बिग मैच, ये व्हाट इज योर रूटीन? अगर वहां पे अगर आप देख रहे हैं ना कि प्लेयर्स ऑब्वियसली, अगर तो स्पेशली यहां पे क्योंकि मॉर्निंग मैचेस मोस्टली हुए हैं जी, सो मॉर्निंग मैच 10:30 अगर स्टार्ट है तो इट्स लाइक 4 डे क्रिकेट आपको, मतलब वही 6:30-7 बजे उठ के, तो यू हैव टू गो टू ब्रेकफास्ट क्योंकि 8 बजे मेरे ख्याल में निकलते होंगे, जो एक रूटीन होती है तकरीबन मैच से 2-2.5 घंटे आप पहले निकलते हैं, आधा घंटा ग्राउंड जाने का, वहाँ पहुँचते हैं, तो आई अज्यूम कि वो 8 बजे निकलते होंगे, तो उसके लिए आपको 6:30-7 ग्राउंड पे होती थी, ठीक है टीम, तो उसके लिए तो यू नीड टू स्लीप वेल. यस, मैच डे बिफोर द मैच उस पर, हाँ अगर वहाँ पर अगर आपको लगा है कि प्लेयर्स दे वर नॉट स्लीपिंग वेल देन इट्स अ इशू. अगर मैच से एक रात पहले वो लेट नाइट आ रहे हैं देन इट्स अ इशू, ठीक है. बट इन जनरल अगर आप देखें, अगर मैच नाइट मैच है, अगले दिन रात में मैच है, तो अगर प्लेयर को आ रहा है, मतलब रूटीन उस हिसाब से आपकी बन जाती है. होता ही है कि जब नाइट मैचेस आप खेल रहे होते हैं, अगर नाइट मैच 7:30 बजे शुरू हो रहा है तो ख़त्म होते होते आपको पता है 10:30-11 हो जाते हैं, फिर आपका वो टीम मीटिंग ग्राउंड में खाना खाना, तो बाय द एंड आपको 11-12 हो जाते हैं ग्राउंड के अंदर ही, तो होटल आते आते आपको 12:30, तो लेट आप सोते हैं जी, तो ऑब्वियसली फिर आप लेट उठते हैं, तो रूटीन आपकी एक चेंज हो जाती है. बट इन डे गेम्स ऑब्वियसली डिफरेंट रूटीन होती है, तो कुछ चीज़ें जो वो नई आवाम अंडरस्टैंड करते उनको इशूज़ बना देते हैं. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये इशू ज़रूर बन सकता है अगर कोई प्लेयर, अगर कल 10:30 बजे मैच है और वो लेट नाइट कर रहा है, खाना लेट खा के आ रहा है, या कहीं हैंग आउट यूएसए के मैच से पहले रात 1:30 बजे तक कोई 7 से 8 पाकिस्तान टीम के लड़के एक रेस्टोरेंट में थे, एक कैफे में, देन इट्स अ इशू. और जब टीम मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि इज देयर अ कर्फ्यू टाइम, तो दे सेट के 11 से 12 बजे तक का कर्फ्यू, और अगर कोई लड़का लेट हो रहा होता है तो वो कॉल करके बता देता है मैनेजर को. देखिए अब फिर तो शिकायत सही है ना लोगों की? नहीं, इस पे तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर ये है इस पे शिकायत बनती है ना, हम जनरल बात कर लेते हैं कि वो खाने खाते रहे हैं, वो शॉपिंग करते रहे हैं, वो इशू नहीं. मैच से एक रात पहले अगर कोई लड़का, अगर मॉर्निंग मैच है, सुबह अगली सुबह जल्दी मैच है, आपने उठना है, तो आप रेस्ट अच्छा नहीं कर रहे, बॉडी को रेस्ट अच्छा नहीं दे रहे, तो सुबह जाहिर है आप लेथार्जिक फील करते हैं. आप यहाँ से बेशक फील ना करें लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती उस तरीके से जब आपकी नींद पूरी नहीं होती. तो अगर ये जो जैसे, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं था, अगर आप जैसे बता रही हैं कि लड़के अगर 1:30-2 बजे तक बाहर थे, तो दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल. यस, और इसमें मैं टीम मैनेजमेंट, अब ये कोई अंडर 19 की टीम नहीं है, बच्चे अंडर 16 की टीम नहीं है, कि मैनेजर जो है, हमारे टाइम पे वो कर्फ्यू क्यों था, वो डिफरेंट रीजन थे, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन थे जिनकी वजह से हमारे ऊपर स्क्रूटनी ज़्यादा थी. राइट नाउ ये हर इंडिविजुअल की, अब बाबर आजम को मैनेजर तो नहीं बताएगा भाई कि तुमने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एक एथलीट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बाबर का नाम लिया है, मतलब नॉट पॉइंटिंग हिम आउट, मतलब कोई भी XYZ कोई भी इंडिविजुअल है उसको, मैं अगर टीम मैनेजर हूँ या वहाब वहाँ पे टीम मैनेजर है, तो वहाब ने ये नहीं बताना भाई कि तुमने कब सोना है कब उठना है. इट्स नॉट अंडर 19 और अंडर 16, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, टॉप लेवल की क्रिकेट है और टॉप लेवल का टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, तो एवरीबडी शुड नो. ये मैं हमेशा वो इंडिविजुअल की बात करता हूँ, ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारियाँ होती हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बहुत कम चीज़ें आप कोचेस के ऊपर डालते हैं, बहुत कम चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर डालते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इतने मेच्योर होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ का अपनी पता होता है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, योर टेक ऑन दैट. क्योंकि आपके टाइम तक मैं थोड़ा सा और पीछे चले जाऊं, तो उस वक्त कर्फ्यू इतना कोई नहीं था, मतलब ये सुनने में आता था कि व्हाट एवर द परफॉर्मेंस वुड बी इन द फील्ड, चाहे रात को जितने बजे भी आ रहे हो, सुबह फील्ड में अपना 100% देते हुए देखे. हमने तो दोनों साइडें देखी हैं, अभी जो सोहेल ने बताया 2010 के बाद जो था वो हमने 90s में भी देखा है, चले कि सीनियर्स पे नहीं तो जूनियर्स पे तो होता ही होता. बिल्कुल, तो वो उस टाइम पे तो मतलब उस तरह की चीज़ें, मतलब एक पैटर्न नहीं था चीज़ों का. लेकिन अभी जो बात खाने की हो रही है, आई डोंट एग्री, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, आपने करनी है, लेकिन ये चीज़ें बाकी टीमें भी कर रही होंगी, बाकी टीमें भी खाना खा रही है ना, या सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं, ऑब्वियसली खाना तो सब खा रहे थे ना. इट्स अबाउट, मैं फिर इसमें अपना मीडिया डिपार्टमेंट